दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में फरार 6 शूटर्स में से 2 को गिरफ्तार किया है। अभी तक मूसेवाला हत्याकांड में कई गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिन बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था ये उनकी पहली गिरफ्तारी है, जबकि अभी तक सिर्फ शूटर्स के सहयोगियों को ही दिल्ली और पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर पाई थी। दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर्स का एक सहयोगी भी गिरफ्तार किया है जो हत्या के समय गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाश पंजाब में हुए चर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने वाले खतरनाक शूटर्स है जिन्होंने मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर SGS धालीवाल ने बताया कि पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 6 शूटरों की पहचान की थी और उस दिन हत्या में 2 मॉड्यूल शामिल थे। एक मॉड्यूल बोलेरो गाड़ी में था जिसे कशिश चला रहा था, उसमें अंकित सिरसा, दीपक मुंडी और प्रियव्रत बैठे थे, जबकि दूसरा मॉड्यूल कोरोला गाड़ी में था जिसमें जगदीप रूपा, मनप्रीत मन्नू उसमें बैठा था। कोरोला कार में बैठे मनप्रीत मन्नू ने AK-47 से सबसे पहले फायरिंग की, जिसके बाद बोलेरो में सवार प्रियव्रत, फौजी और बाकी शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया। फायरिंग में कई पिस्टल इस्तेमाल हुए थे। इन हथियारों के पास ग्रेनेड भी थे ताकि अगर पिस्टल में कोई दिक्कत आ जाए तो ग्रेनेड से मूसेवाले का काम तमाम किया जा सके। स्पेशल सेल के कमिश्नर SGS धालीवाल ने बताया कि 19 जून को हमारी टीम ने इन बदमाशों को मुंद्रा पोर्ट गुजरात से अरेस्ट किया, जहां पर इन्होंने वहां कमरा किराए पर ले रखा था। धालीवाल ने बताया कि सबसे पहले शूटर प्रियव्रत फौजी को पकड़ा। प्रियव्रत सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मुख्य शूटर है और शूटरों के मॉड्यूल का प्रमुख है। 26 साल का प्रियव्रत हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। वो घटना के बाद गोल्डी बरार के सीधे संपर्क में था। हत्या के पहले फतेहगढ़ के पेट्रोल पंप में CCTV में इसकी तस्वीर कैद हुई थी। प्रियव्रत इसके पहले 2 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। उसे 2015 में गिरफ्तार किया गया था। 2021 में उसने दूसरी हत्या की। प्रियव्रत की निशानदेही पर दूसरा शूटर कशिश उर्फ कुलदीप को अरेस्ट किया है। ये भी हत्या के पहले फतेहगढ़ के पेट्रोल पंप में CCTV कैमरे की फुटेज में दिखाई दे रहा है। 2021 में इसने हरियाणा के झज्जर में हत्या को अंजाम दिया था। 24 साल का कुलदीप झज्जर का रहने वाला है। इसी कड़ी में पुलिस ने तीसरा शूटर केशव कुमार को पकड़ा है। केशव ने मूसेवाला की हत्या के बाद एक ऑल्टो कार में शूटरों को बिठाया और मानसा तक ले गया। 2020 में बठिंडा में एक हत्या में शामिल था। पंजाब में कुछ जबरन वसूली के मामलों में इसकी भूमिका है। 29 साल का केशव बठिंडा का रहने वाला है। पुलिस ने हथियारों के कब्जे से 8 ग्रेनेड, ग्रेनेड लॉन्चर, 1 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 56 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में हत्यारों ने बताया कि उन्होंने हत्या के बाद हरियाणा के हिसार में ये रिजर्व हथियार रखे हुए थे। बदमाशों ने बताया कि वे पिछले काफी समय से मूसेवाला पर नजर रखे हुए थे और उन्होंने मूसेवाला के घर की 8-10 बार रेकी भी की थी। इसके अलावा कनाडा में बैठे गोल्डी बरार को हत्या करने के बाद बता दिया था कि काम हो गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था, अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी, उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिन, कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई। और करोला से फिर ये दोनों उतरे और
पीछे जो बलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये चारों जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ही उतरे। तो छः के छः लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। तो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है, लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता हैं, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। तो इस मेन केस में इनकी भी अरेस्ट की करी गई है, क्योंकि ये उन्हीं के सिंडिकेट के मेंबर हैं, और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 6 शूटर्स में से 2 को गिरफ्तार करके यह साबित कर दिया है कि मूसेवाला हत्याकांड के हत्यारे अब ज़्यादा दिनों तक चैन की सांस नहीं ले सकेंगे। पुलिस की कई टीमें फरार हत्यारों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।